अरे श्लोक कंठस्थ करने से, भागवत पढ़ने से भागवत नहीं आती। भागवत आती है संतों की सेवा करने से, संतों में धर्म में वेद में श्रद्धा रखने से। द्विज सेवक अधिकारी थे, जो ब्राह्मणों के भक्त है, जो संतों के भक्त है, जिनकी रति भगवान में है, जिनकी रति प्रेम संतों में है, गुरु में है ना, वो जीव कथा का अधिकारी है, श्रवण हो अथवा वक्तव्य हो, वो अधिकारी जीत है। नहीं तो मुझे बताइए, आजकल जो डिबेट हो रहा था, हम न्यूज चैनल पे देख रहे थे कि रामायण में ऐसा लिखा वैसा लिखा, अब उन्होंने भी तो रामायण पढ़ी है ना, अब पढ़ करके डिबेट करने आते, क्यों? समझा नहीं, गलत समझा, क्यों? क्योंकि गुरु के द्वारा नहीं समझा। गुरु और संत के मार्गदर्शन से ही जीवन चलना चाहिए। तो ये हमारे जीवन के माइलस्टोन से हमको बताते हैं कि हाँ तुम कितनी दूर आए, ये देखो ये तुम्हारी अवस्था है। ये हमें सद ग्रंथों से, संतों की वाणियों से हमें समझ आता है। इसलिए बीच बीच में रुक करके, काम तो चलता रहेगा, संसार चला ही है, जब से जन्म हुआ तब मरने तक सभी हम व्यस्त है, आप भी व्यस्त है, मैं भी व्यस्त हूं। कुछ समय निकालना है आत्मचिंतन के लिए। संत वर्णन करते हैं कि भगवान का प्रेमी ही भगवान की कथा का अधिकारी है। यह अधिकार लीला हमने प्रथम स्कंद में श्रवण की और तीसरी कथा हमने श्रवण की परीक्षित। एक ने प्रश्न किया, महाराज ये लोगों को लगता है वक्ता जो है वो पैसे वालों के वक्ता होते, बस जो धन देंगे उनके यहाँ ये कथा करने जाते हैं। आप तो यहाँ रहते, आप जानते होंगे हमारे जो परिवार है, किशन जी महाराज, जोशी जी, बहुत धनवान है क्या? बहुत धनवान है? नहीं है, ब्राह्मण है, पूजा पाठ करते हैं। धन के कारण उनके पास वक्ता नहीं आया, उनकी श्रद्धा के कारण मैं आया हूं, और उनकी श्रद्धा के कारण ही उनके घर में भागवत आई है। मैं आपको सत्य बोलती हूँ। अरे बड़े बड़े लोग आते हैं, दीदी कथा करनी है, ये करनी है, फिर चले जाते हैं। धन है, कथा नहीं कर सकते। दो वर्ष पूर्व जिस परिवार, नागौराव परिवार जी ने जो कथा की थी, अप्रतिम कथा, ऐसा आयोजन एक ब्राह्मण नहीं कर सकता। ये धन से नहीं होता। क्यों आए शुकाचार्य, हमने कल देखा ना, बुलाया नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, आ गए और कथा का प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि वो जिज्ञासु है, वो भगवान का भक्त प्रार्थना करता है, नाथ मेरा उद्धार करो। जिसको उद्धार की तीव्र इच्छा होती है, भगवत प्राप्ति की इच्छा होती है, सत्कर्म करने की इच्छा होती है ना, वो योग बन जाता है और उनके घर में संत आते हैं। संतों को आप धन से नहीं खरीद सकते, ध्यान देना। और परीक्षित के पास था ही क्या, सब छोड़ दिया था, सारा राज्य अपने पुत्र को दे दिया, सब दे दिया, और सब छोड़ करके जो परीक्षित आया था, अब वो राजा नहीं है। यहाँ पर बार बार वर्णन आया है श्रीमद् भागवत में राजर्षि, जो राजा थे लेकिन जिनका जीवन ऋषि तुल्य हो गया, ऋषि हो गए, जिनके जीवन में सत्य का शोधन प्रारंभ हुआ, साधना प्रारंभ हुई, अब वो ऋषि बन गए। और ऐसे ऋषि के पास ही संत आते हैं। संत श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, संतों से मिलने संत आते हैं। संत किसी कोई व्यक्ति धन देता हो उसके पास नहीं जाते, संतों की रुचि भगवत भक्ति में होती है। कोई भगवान की बातें करता है तो हम सुनना चाहते हैं। संसार की बातें तो क्या है बताइए, संसार की वही कथा, इसने वो किया उसने, ये चलता रहता है और इसमें व्यथा है। संसार की कथा में व्यथा है, भगवान की कथा में व्यथा दूर करने का फॉर्मूला है। तो भगवान की कथा श्रवण करो, दो मिनट मिलता है, भगवान की कथा श्रवण करो। और रचयिता, प्रथम वक्ता, प्रथम श्रोता का हमने वर्णन किया। परीक्षित को शाप लगा है, परीक्षित गंगा किनारे आते हैं, गंगा मैया को प्रार्थना की है, हे माँ अब कोई न सहारा बिनु तेरे। और गंगा मैया की कृपा से शुकाचार्य महाराज आए, ऐसा एक संत कहते हैं। हमने जब
हम प्रारंभ में संत श्री डोंगरे जी के महाराज बहुत सुनते थे, कई वर्ष वही कैसेट हमने कितने ही बार सुनी, बहुत बार सुनी, और अब भी हम वही कथा सुनते, वही कथा है। 35-38 कुछ कैसेट्स है, 40 के आसपास वो कथा हमने इतनी बार सुनी और फिर भी लगता है कि हमें और सुननी है और सुननी है। वो माधुर्य है कथा में। आप सुन सकते हैं संत श्री डोंगरे जी महाराज की आज कथा YouTube पर भी अवेलेबल है। ऐसा महान पुरुष हुआ नहीं, ऐसी कथा महान वक्ता है लेकिन ऐसी कथा नहीं। भक्ति प्रेम वैराग्य उनकी कथा श्रवण करो और भगवान में प्रेम हुआ नहीं, ऐसा होता नहीं। ऐसे दिव्य महात्मा संत वर्णन करते हैं जिन्होंने कथा पब्लिक में लाई। पहले ऐसा होता था घर घर जाकर महाराज जी कथा करते थे, उनके आने के पश्चात बड़े बड़े पंडालों में कथा प्रारंभ हुई। आंख बंद करते, किसी से बात करते नहीं, कथा बस अविरल चलती रहती। कौन आया है, उनका ध्यान नहीं था कौन आया है। कृष्ण कथा में तल्लीन, कृष्ण कृष्ण, वो कहते कृष्ण के लिए, कृष्ण के प्रेम से कृष्ण की कथा करो, कृष्ण के लिए कथा करो। अरे आप और हम तो निमित्त है, वक्ता और श्रोता तो निमित्त होता है, वो भगवान की कृपा से कथा आपको और हमको प्राप्त होती है। ये हम जो आरंभ में कहते ना दुर्लभ सत्संग है, सुलभ नहीं है, सहज प्राप्त नहीं होता है, ये हमको प्राप्त हुआ है, ये दुर्लभ योग है श्रीमद् भागवत कथा का। और ऐसे परीक्षित के पास कोई सहारा नहीं, कौन है, सब छोड़ दिया जिसने भगवान से प्रार्थना की, तब गंगा मैया की कृपा से शुकाचार्य आए। डोंगरे जी महाराज कहते कथा आपको कोई गुरु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं सिखा सकता आपको, कथा श्रवण करने से पढ़ने से नहीं आती, कथा गुरु कृपा से आती है, संतों की कृपा से आती है। इसीलिए मैंने भी प्रथम कथा उनकी आज्ञा से, डोंगरे जी महाराज जी कहते प्रथम कथा गंगा मैया को आप सुनाइए, तो मैंने भी ऋषिकेश में वहां पर गुरुजी द्वारा संकल्प छोड़ा गया और प्रथम कथा पारायण, संस्कृत का मूल पारायण 18,000 श्लोकों का हमने एक महीने में वहां पर किया था। गंगा मैया को जब हमने कथा सुनाई तो हम आपको अपना अनुभव बोलते हैं। हम जब भागवत पढ़ रहे थे तो हमको पढ़ने में ही 3 साल लगा, घर का सारा काम काज सब करते फिर हम पढ़ाई करते थे। रोज हमारा एक नियम था, घर का हम सब काम करते, रोटी बनाते, हमारा भाई जॉब करता है, भाई बहन तब जॉब करती थी, तब सब काम करके फिर थोड़ा समय हम पढ़ाई करते। तो हम जब पढ़ाई करते थे तो कभी कभार दो ही श्लोक पढ़ते, दो श्लोक पढ़े अर्थ समझ नहीं आया, फिर हम बोलते ऐसा क्यों लिखा है इसमें, ऐसा क्यों लिखा है। ऐसा नहीं है कि भरा 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 वात्सल्यवाणी कड़ाला, ऐसा नहीं है। कभी कभार दो दो दिन हमको कोई श्लोक समझ में भी नहीं आता था, हम पढ़ते ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा। फिर किसी संतों की वाणी सुनना, किसी संतों के श्रीमुख से लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ना, वो समझना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, उसके बाद आगे। तो ऐसे आज भी कई सारे अध्याय हमको समझ नहीं आते, हम सोचते रहते हैं। और जब हम व्यासपीठ पर बैठते हैं, हम अपना अनुभव कहेंगे कि कई बार हमने न सोचा है न सुना है, वो हमारे मुख से निकल जाता है। क्यों होता है ये हम हमारे द्वारा नहीं होता, ये मैंने नहीं किया, ये गंगा मैया हमारे मुख से बुलवाती है। उसका अर्थ हमको कई बार व्यासपीठ पर समझ आया है, अच्छा ये तो हमने पढ़ा नहीं था, कैसे आ गया गंगा मैया की कृपा। तो ये संतों की कृपा और ये गुरु कृपा होती है। तो संतों से जीवन में कोई भी विपत्ति आती है, अब संतों को बोलो। हम जाते हैं लोगों के पास, देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ, लोग क्या करेंगे, उसको भी दुख है तुम्हारा भी दुख है, क्या करेंगे। अरे भगवान से बोलो, भगवान से बात करो, भगवान बात करते हैं। कई बार ये भी अनुभव आता है भागवत में कि कई लोग कुछ शंका लेकर आते हैं, बैठ जाते हैं, फिर कथा सुनने के बाद मुझसे बोलते दीदी आज मेरे मन की शंका दूर हो गई, उन्होंने हमको बताया नहीं था कि दीदी आप इस विषय में बोलिए। हमारी सारी शंकाएं जब हम भगवान से, भागवत भगवान से प्रार्थना करके मंडप में बैठते हैं तो हमारी सारी शंकाएं दूर हो जाती है। अब करके देखिए, और फिर भी आपको कोई प्रश्न पूछना तो हम आपको आह्वान करते हैं, आप चिट्ठी में लिखे कथा से पूर्व यहाँ पर रखे,
हम जितना प्रयत्न हो सके आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, बिकॉज आई लव क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं आप सुने चले जाए, ऐसा नहीं है। हमारे पास ऑर्डर नहीं होता, मैंने कहा आपको सुनना है, नहीं। हमारे यहाँ पर डायलॉग्स होता है, कम्युनिकेशन, श्रोता पूछता है, वक्ता बोलता है। ऐसे सनातन धर्म के विषय में आपको कोई भी शंका हो तो आप यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी आप कमेंट करें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। हमको पता नहीं होगा, हम एक बात एक जानते हैं कि हमारी सारी शंकाओं के समाधान हमारे शास्त्रों में है। हम कदाचित पढ़ाई करने में कम पड़ जाए, लेकिन शास्त्रों में कोई कमी नहीं है। उसको पढ़ना है, उसका परिशीलन करना है। तो आपको कोई भी शंका हो आप यहाँ पर पूछे, आप यूट्यूब पर कमेंट करें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर, हम प्रयत्न करेंगे उसको, उसके उत्तर हमको शास्त्रों में मिल जाते हैं। तो पूछिए आप, बी एक्टिव। ऐसा नहीं कि मन में था, वो मन में मत रखिए, पूछिए आप। यहाँ पर भी आप रख सकते हैं। अस्तु, तो परीक्षित महाराज पर कृपा हुई, शुकाचार्य जी महाराज आए, उन्होंने दो प्रश्न किए। प्रभु, मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है और मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होगा? तब प्रथम स्कंद की समाप्ति करके द्वितीय स्कंद में हमने भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान ये सृष्टि की रचना कैसे करते हैं इसका वर्णन किया। शुकाचार्य जी ने मंगलाचरण किया। द्वितीय स्कंद में चार श्लोकों का महात्म्य हमने श्रवण किया और दश लक्षणों को कह करके द्वितीय स्कंद समाप्त करके हम तृतीय स्कंद में अब प्रवेश कर रहे हैं। तृतीय स्कंद आरंभ होता है, यहाँ पर हमें महाभारत की ओर ले जाते हैं। यहाँ पर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से अनेक प्रश्न किए हैं। विदुर जी कौन है? विदुर जी भी कौरव है। कौरव यानी क्या? कौरव यानी केवल दुर्योधन आदि नहीं है, कुरु वंशज। अपन म्हणतो ना आम्ही कुलकर्णी सगळे, आम्ही सगळे देशमुख, जसं आडनाव असत। तो यहाँ पर बड़ा श्रेष्ठ राजा हुआ कुरु, उसके वंशज सारे कुरु कहलाने लगे। जिस प्रकार से सूर्यवंशी भगवान श्री राम राघव कहलाने लगे, क्यों? रघुवंश कहलाने लगा, क्यों? क्योंकि रघु नामक राजा बड़ा श्रेष्ठ राजा हुआ, उसके नाम से उसके सारे परिवार को रघुवंश कहा गया। श्री राम जी रघुवंशज है ऐसा कहा गया। मूल में प्रभु श्री राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ है, तो उन महात्माओं से नाम बदल गया। तो इस प्रकार से विदुर भी कुरु वंशज है। विदुर जी दासी पुत्र है, धृतराष्ट्र के भाई है। अंबा अंबालिका से जो पुत्र हुए, एक अंधा हुआ, एक रोगी हुआ, तो तीसरा दासी द्वारा जब उत्पन्न किया गया व्यास जी से द्वारा, तो वह विदुर कहलाए, जो बड़े महात्मा थे, सद्गुणी विद्वान और भगवान के महान भक्त थे। विदुर जी वनवास के लिए गए और वहां पर मैत्रेय जी से मिले और उन्होंने अनेक प्रश्न किए हैं। ये कथा तृतीय स्कंद में आरंभ होती है। तब परीक्षित जी ने पूछा, महाराज विदुर जी ने अपना घर क्यों छोड़ा? विदुर जी धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर में रहते थे। आज जो दिल्ली है उसको हम हस्तिनापुर कहते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की, हस्तिनापुर जो है उसको आज हम दिल्ली कहते हैं। वो सारा राज्य, संपूर्ण भारत पर राज्य करता था। उसके राजा थे पांडु, लेकिन पांडु जब वनवास के लिए गए तो कुछ दिनों तक धृतराष्ट्र को राजगद्दी पर बिठाया गया। राजगद्दी पर बैठते ही उसे अपने राजगद्दी पर मोह हो गया और उसने सोचा, मुझे क्यों नहीं, अरे मैं तो बड़ा पुत्र हूं। लेकिन धर्म के अनुसार जो अंधा है वो राज्य कैसे करेगा? राजा को चाहिए कि अपनी वो प्रजा को देखे, समझे, तभी तो वो उनके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस कर सकता है। अब जो अंधा है वो नहीं हो सकता, तो धर्म के अनुसार ही द्वितीय पुत्र पांडु को राज्य दिया गया। लेकिन इसके कारण धृतराष्ट्र में ईर्ष्या हुई, अरे ये तो मेरा है, मेरे पुत्रों को होना है। और दैववश प्रथम पुत्र यानी बड़ा पुत्र भी पांडु को ही हुआ, जिन्हें हम धर्मराज कहते हैं, जो धर्मराज के वंशज हैं, अंश है। द्वितीय पुत्र वायु का पुत्र भीम हुआ। फिर
इंद्र का पुत्र अर्जुन और अश्विनी कुमारों के पुत्र नकुल और सहदेव, ये पांच पांडव के पुत्र होने के कारण पांडव कहलाए। वैसे ये भी कौरव ही है, पांडव कहलाए। और बाकी ये सारे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि 100 पुत्र हुए हैं। ये सारे पुत्र अधर्मी थे। क्यों? इनकी रुचि अपने बड़े भाई दुर्योधन में थी। दुर्योधन को भी लगता कि ये राज्य मुझे चाहिए। जब कालवश पांडु का निधन हो गया, तब उनकी पत्नी कुंती अपने पुत्रों को लेकर अपने ही घर, हक का घर हस्तिनापुर, अपने राज्य में जब आई, तो उन पांच पांडवों से इन कौरवों ने वैर किया है। भीम को विष दिया, वारणावत पे उन्हें मारने का प्रयास किया। अब जब बड़े हुए तो राज्य करना है, कामकाज करना है, तो चाचा जी से पूछा धृतराष्ट्र से, हमें अपना राज्य दे, तो राज्य नहीं दिया गया। एक बंजर भूमि दी गई, वहां पर भगवान की कृपा से सुंदर महल बना है। ऐसा महल बना था कि कौन सी जमीन है, कौन सा पानी है, समझ नहीं आ रहा था। बड़ा दिव्य भवन उन्होंने बनाया। अब वो भवन बनने के बाद भी दुर्योधन को ईर्ष्या हुई कि वो भवन मुझे मिलना चाहिए। फिर द्यूत हुआ, द्यूत में द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, जिनका रक्ष भगवान कृष्ण ने किया है। उसके पश्चात 13 वर्ष तक पांडवों को वनवास प्राप्त हुआ। 13 वर्ष कोई भी भूल नहीं है, और इन पांडवों को वनवास प्राप्त होना पड़ा। कोई सुविधा नहीं, वनवास में क्या होता है बताइए। कई ऋषियों को साथ ले गए, ऋषियों ने कहा राजन हम आपके साथ आएंगे। उन्होंने कहा हम आपको साथ नहीं ले जा सकते। तो ऋषियों ने कहा देखो तुम धर्मात्मा हो, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। ऋषियों ने अपनी इच्छा से, ये सब महाभारत में कथा आती है, उनके साथ गए। क्यों गए? उन्होंने कहा हम आपको रोज अच्छी अच्छी कथाएं सुनाएंगे। There comes a period, एक काल होता है सभी के जीवन में, इतना दुख आ जाता है, इतनी विपरीत परिस्थिति, स्त्री हो पुरुष हो जो भी हो आता है, और उस समय लगता है कि बस ये दुख झेलने से अच्छा है मैं मर जाऊं। ये काल सबके जीवन में आता है, किसी को बचपन में आता है, किसी को मध्यकाल में, किसी को बुढ़ापे आता है। लेकिन तो ये डिप्रेशन का टाइम था। क्यों? उनकी कोई भूल नहीं है, उनको फिर भी वनवास दिया गया। और ऐसे समय पर नेगेटिव विचार आ सकते हैं, गलत विचार आ सकते हैं। तो ऋषियों ने सोचा अगर हम जाएंगे तो अच्छी अच्छी कहानी बताएंगे। कौन सी कहानियां? भगवान की कथाएं। ये भगवान की कथा करती है हमको डिप्रेशन से दूर निकाल। दवाई से कुछ नहीं होता, दवाई लेना भी नहीं चाहिए, दवाई से अधिकाधिक मनुष्य उसके अधीन हो जाता है। कथा सुनो, जो उसको काउंसलिंग बोलते हैं, स्पीक टू द पीपल। अब किसी और से बात करने की इच्छा नहीं, ग्रंथ को लो, अब बात करते रहो, सुनते रहो। हम भी जब हमारी ये परिस्थिति हुई थी हमारे जीवन में, हम कथा सुनते थे। कथा से प्रेरणा मिलती है, कथा से एक धैर्य प्राप्त होता है। तो वो कथा के द्वारा 13 वर्ष धीरे धीरे व्यतीत हो गए। 13 वर्ष भी उन्होंने पार कर लिया। अब उसके पश्चात क्या हुआ? इन पांडवों ने प्रस्ताव भेजा है कि अब आपके कहे अनुसार हमने 13 वर्ष व्यतीत कर लिए, अब आप हमें हमारा राज्य दे दे। दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है, मैं नहीं दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए हैं, और भगवान ने कहा कि आपको राज्य देना चाहिए। अब ये बुरे जो लोग होते हैं ना, मैं आपको एक टॉक्सिक लोगों का गुण बोलती हूँ, दुष्ट होते हैं, लेकिन बड़ी मीठी 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 बातें करते हैं। मैं आपको बोलूं, कई बार जो दुष्ट लोग होते हैं ना, लोगों को लगता है कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो लोगों का एक केमिलियन गुण होता है, वो अपना रंग बदलते। हरे झाड़ पर बैठेगा तो अपना हरा रंग बना लेगा, लाल पर बैठेगा तो वो लाल रंग, उसको क्या बोलते हैं मराठी में, सरडा मन। तो अपन राजा को चाहिए कि अपनी वो प्रजा को देखे, समझे, तभी तो वो उनके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस कर सकता है। अब जो अंधा है वो नहीं हो सकता। तो धर्म के अनुसार ही द्वितीय पुत्र पांडु को राज्य दिया गया,
लेकिन इसके कारण धृतराष्ट्र में ईर्ष्या हुई, अरे ये तो मेरा है, मेरे पुत्रों को होना है। और दैववश प्रथम पुत्र यानी बड़ा पुत्र भी पांडु को ही हुआ, जिन्हें हम धर्मराज कहते हैं, जो धर्मराज के वंशज हैं, अंश है। द्वितीय पुत्र वायु का पुत्र भीम हुआ, फिर इंद्र का पुत्र अर्जुन और अश्विनी कुमारों के पुत्र नकुल और सहदेव, ये पांच पांडु के पुत्र होने के कारण पांडव कहलाए। वैसे ये भी कौरव ही है, पांडव कहलाए। और बाकी ये सारे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि 100 पुत्र हुए हैं। ये सारे पुत्र अधर्मी थे। क्यों? इनकी रुचि अपने बड़े भाई दुर्योधन में थी। दुर्योधन को भी लगता कि ये राज्य मुझे चाहिए। जब कालवश पांडु का निधन हो गया, तब उनकी पत्नी कुंती अपने पुत्रों को लेकर अपने ही घर, हक का घर हस्तिनापुर, अपने राज्य में जब आई, तो उन पांच पांडवों से इन कौरवों ने वैर किया है। भीम को विष दिया, वारणावत पे उन्हें मारने का प्रयास किया। अब जब बड़े हुए तो राज्य करना है, कामकाज करना है, तो चाचा जी से पूछा, धृतराष्ट्र से, हमें अपना राज्य दे, तो राज्य नहीं दिया गया। एक बंजर भूमि दी गई, वहां पर भगवान की कृपा से सुंदर महल बना है। ऐसा महल बना था कि कौन सी जमीन है, कौन सा पानी है, समझ नहीं आ रहा था। बड़ा दिव्य भवन उन्होंने बनाया। अब वो भवन बनने के बाद भी दुर्योधन को ईर्ष्या हुई कि वो भवन मुझे मिलना चाहिए। फिर द्यूत हुआ, द्यूत में द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, जिनका रक्ष भगवान कृष्ण ने किया है। उसके पश्चात 13 वर्ष तक पांडवों को वनवास प्राप्त हुआ। 13 वर्ष कोई भी भूल नहीं है, और इन पांडवों को वनवास प्राप्त होना पड़ा। कोई सुविधा नहीं, वनवास में क्या होता है बताइए। कई ऋषियों को साथ ले गए, ऋषियों ने कहा, राजन हम आपके साथ आएंगे। उन्होंने कहा, हम आपको साथ नहीं ले जा सकते। तो ऋषियों ने कहा, देखो तुम धर्मात्मा हो, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। ऋषियों ने अपनी इच्छा से, ये सब महाभारत में कथा आती है, उनके साथ गए। क्यों गए? उन्होंने कहा, हम आपको रोज अच्छी अच्छी कथाएं सुनाएंगे। देयर कम्स अ पीरियड, एक काल होता है सभी के जीवन में, इतना दुख आ जाता है, इतनी विपरीत परिस्थिति, स्त्री हो पुरुष हो जो भी हो, आता है, और उस समय लगता है कि बस ये दुख झेलने से अच्छा है मैं मर जाऊं। ये काल सबके जीवन में आता है, किसी को बचपन में आता है, किसी को मध्यकाल में, किसी को बुढ़ापे आता है। लेकिन तो ये डिप्रेशन का टाइम था। क्यों? उनकी कोई भूल नहीं है, उनको फिर भी वनवास दिया गया, और ऐसे समय पर नेगेटिव विचार आ सकते हैं, गलत विचार आ सकते हैं। तो ऋषियों ने सोचा, अगर हम जाएंगे तो अच्छी अच्छी कहानी बताएंगे। कौन सी कहानियां? भगवान की कथाएं। ये भगवान की कथा करती है, हमको डिप्रेशन से दूर निकाल। दवाई से कुछ नहीं होता, दवाई लेना भी नहीं चाहिए, दवाई से अधिकाधिक मनुष्य उसके अधीन हो जाता है। कथा सुनो, जो उसको काउंसलिंग बोलते हैं, स्पीक टू द पीपल। अब किसी और से बात करने की इच्छा नहीं, ग्रंथ को लो, अब बात करते रहो, सुनते रहो। हम भी जब हमारी ये परिस्थिति हुई थी हमारे जीवन में, हम कथा सुनते थे। कथा से प्रेरणा मिलती है, कथा से एक धैर्य प्राप्त होता है। तो वो कथा के द्वारा 13 वर्ष धीरे धीरे व्यतीत तो हो गए, 13 वर्ष भी उन्होंने पार कर लिया। अब उसके पश्चात क्या हुआ? इन पांडवों ने प्रस्ताव भेजा है कि अब आपके कहे अनुसार हमने 13 वर्ष व्यतीत कर लिए, अब आप हमें हमारा राज्य दे दे। दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है, मैं नहीं दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए हैं, और भगवान ने कहा कि आपको राज्य देना चाहिए। अब ये बुरे जो लोग होते हैं ना, मैं आपको एक टॉक्सिक लोगों का गुण बोलती हूँ, दुष्ट होते हैं, लेकिन बड़ी मीठी 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 बातें करते हैं। मैं आपको बोलूं, कई बार जो दुष्ट लोग होते हैं ना, लोगों को लगता है कि ये बड़े अच्छे लोग हैं,
क्योंकि वो लोगों का एक केमिलियन गुण होता है, वो अपना रंग बदलते, हरे झाड़ पर बैठेगा तो अपना हरा रंग बना लेगा, लाल पर बैठेगा तो वो लाल रंग, उसको क्या बोलते हैं मराठी में सरडा मन, तो आपने देखा है उसको, हमने भी देखा है। तो वो जो पेड़ पर बैठेगा वो रंग बदल देगा। अब ऐसे लोग होते हैं, अब बाहर जाएंगे ऐसे दीन बनेंगे, लोगों को लगता है भाई बड़ी अच्छी स्त्री है ये तो, अरे काय था काकू बोलो काय होते। अब जरा दरवाजा बंद करके घर पे जाएंगे तो उनका बर्ताव देखना, बड़े बुरे लोग ऐसे होते हैं हमारे जीवन में, लोगों के सामने नाटक करना। कई लोगों की पूजा अर्चा आरती वगैरह भी लोगों के लिए होती है, कई लोग कैमरा लगे तो फिर तैयार होते हैं, एकांत में कैमरा घूमा, कैमरा के लिए लोगों ने, आप ऐसे नहीं है, दूसरी की बात कर रहे। तो ये लोगों के लिए भक्ति, लोगों को दिखाने के लिए भक्ति क्या है, हमारा हम क्या है, वो कब पता चलता है, एकांत में। हम जब एकांत में बैठते हैं, संत कहते हैं एकांत में ही पाप होता है। पाप यानी क्या, मन के विचार, पहला पाप मन में आता है, त्याचं वाईट व्हावं याचं वाईट व्हावं पहले मन में आता है। तो हमारे मन को देखिए, क्या हम एकांत में जब प्रभु के सामने बैठते हैं तब क्या हमारे आंखों में प्रेम से अश्रु आते हैं, कोई नहीं देख रहा तब भी क्या हम भगवान की उतनी ही सुंदर पूजा करते हैं जब चार लोग आने पर चाल फूल लगा करके करते हैं, क्या हम एकांत में कृष्ण के लिए नृत्य करते हैं या फिर केवल लोगों के सामने करते हैं। ये रंग बदलना, अब ऐसा है धृतराष्ट्र, ये बड़ा दुष्ट था, अब ये बोलता मैं क्या करूं द्वारिकाधीश, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये जो दुर्योधन है मैं इसके अधीन हूं। अब विदुर बार बार कहते भैया, राजा राजा के मंत्री के पद से कहते, भाई के पद से कहते, भैया आप राजा हो, आप पिता हो, आप उसको बोल सकते हैं कि बेटा ये नहीं करना है, मैं आपको परवानगी नहीं दूंगा, ये नहीं करना है, बस मेरा आदेश है। तो क्या दुर्योधन नहीं मानता? अरे ये दुष्ट धृतराष्ट्र ही इस पाप का मूल है, पाप वृक्ष का मूल धृतराष्ट्र है, ये भागवत में वर्णन किया है। हमको लगता है दुर्योधन है, हमको लगता है शकुनी है, नहीं है, सबको कंट्रोल करने की चाबी धृतराष्ट्र के पास थी। घर में भी देखिए कोई बुरा होता है ना, उसका मूल बड़े होते हैं। अब बड़े डालेंगे, ओ मेरा बच्चा है सुनता नहीं, वो सुनता, वो कैसा सुनता नहीं, आप बड़े हो आप बोल सकते हैं, बड़ों को वो अधिकार है, आपको आदेश देना आना चाहिए। ये भगवान को सब पता चलता है, भगवान ने प्रस्ताव रखा, धृतराष्ट्र ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, ये बुढ़ा हूं सच्चा अंधा मोहांध था धृतराष्ट्र, दुर्योधन के प्रेम में उसको लगता मेरे पुत्र को ये मिलना चाहिए। यही हमारे जीवन की कथा है, हमारे जीवन में भी हमको यही देखना है। महाभारत सुन के समझ आता है कि हमारे जीवन में दुर्योधन कौन है, शकुनी कौन है, जो भी गड़बड़ी हो रही संसार में, ये हमारे परिवार में या फिर हमारे जो कुछ बुरा हो रहा है ना, टॉक्सिक पीपल होते हैं हमारे पास भी, उसमें मूल ये धृतराष्ट्र कौन है उसको पहचानना आना चाहिए। ये पहचानने की शक्ति महाभारत आपको दी, अब उसका विस्तार नहीं करूंगी। ये विदुर बार बार कहते, तब कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, आप राज्य नहीं देना चाहते, कोई भी बात नहीं, हमें केवल 5 गांव दे दीजिए। सोचिए इतना बड़ा राज्य है, राज्य नहीं मांग रहे, भगवान ने कहा केवल 5 गांव। तब दुर्योधन ने कहा सुई के नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा, युद्ध इसके कारण हुआ है, युद्ध द्रौपदी के कारण नहीं हुआ। नाथो ननाथो
सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।